हाय स्टूडेंट, केन्ता अछ पिले? आउ सबु भल भल अछ तो पिले? आज जी मैथ्र आम पार्ट टू वीडियो रे पढ़मा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन तुम जी मैथ्र यूनिट फोर चैप्टर बुझीला, यूनिट फोर रो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़मा। जदि पिले तुम फास्ट वीडियो नहीं देखवा, जेने कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशन इंट्रोडक्शन बारे में कराई है, तुम ऑर्डर डिग्री से विषय में पढ़ाई, जदि से वीडियो नहीं देवा से वीडियो देखी दिव बुझेगा, तो से वीडियो देख, देन वीडियो देख, पार्ट टू वीडियो देखा के सहज हाँ, क्या रिलेटेड अच्छे बुझेगा कि नहीं, बेसिक जानब, सेने बेसिक पढ़ाई, बेसिक जानला पर वीडियो देख। तो आज आम पार्ट टू वीडियो है यहाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले कहना देख। देख गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे, मन कर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई अच्छे, आर इटार जेन सॉल्यूशन मन कर इफ वाई इक्वल टू टू दि पावर एक्स अच्छे, तो जेन इ वाई टू दि पावर इ एक्स जो इटाने जो सैटिस्फाई कला, देन आम इटा के कही पार्मा ना सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो देखमा हाँ कि नहीं, इ सैटिस्फाई करुचे कि नहीं करवा जे हाँ कि नहीं। तो देख इने का अच्छे डेरिवेटिव अच्छे कण वाई, तो मुझे देख लिखिपारि डी अफ डी एक्स अफ वाई जगह मुझे लिखिपारि इ एक्स, तो आराम से लिखिदेली इ एक्स, तो इटा डेरिवेटिव कण आपले से इ एक्स आखा। अच्छा इ एक्स बोले कण वाई है, तो ना देख इ एक्स इक्वल टू कण वाई है, कण वाई है, सो आम कण डी वाई बाय डी एक्स इक्वल कण है वाई मिलला बोले कण सैटिस्फाई है। सो जेन वाई टू दि पावर इ एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ इ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जेहेतु ई सैटिस्फाई कला, तो इटा के आम कहमु सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिकर बुझीला, किचिन ना खाली सैटिस्फाई करूबार अच्छे बुझीपाली, जो सैटिस्फाई कला ताकि कहूँ आम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आ गोटे जदि हंता मन कर अच्छे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू है वाई एखा अच्छे बुझीपाल कि नहीं, इफ वाई इज इक्वल गोटे कॉन्स्टेंट अच्छे मन कर सी अच्छे है सी इ टू दि पावर एक्स अच्छे, तो इटा भी सैटिस्फाई करुचे कि नहीं देखमा हाँ कि नहीं, तो डी वाई वाई जगह मुझे कहना वाई रैल्यू पुट कर देवी, सो डी डी एक्स देन तुम कॉन्स्टेंट रो डेरिवेटिव, अच्छा कॉन्स्टेंट रो तो गला हाँ कि नहीं, कॉन्स्टेंट गला तो कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट ये बाटे रखीदेली, देन तुम ई टू दि पावर एक्स रो डेरिवेटिव हवा, सो सी तो सी है ना कॉन्स्टेंट सी, तो यहाँ डेरिवेटिव कण सी टू दि पावर एक्स, अच्छा सी इ टू दि पावर एक्स कण आपले वाई एखा हाँ कि नहीं वाई है, सो यहाँ कण वाई है, तो डी वाई बाय डी एक्स कण वाई सैटिस्फाई कला इे भी वाई इे भी वाई, तो आम कही पार्मा वाई इक्वल टू सी इ टी वाई इक्वल टू सी इ टू दि पावर एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बुझी पार्लो, जो सैटिस्फाई कला हाँ कि नहीं, ये तो सैटिस्फाई कला, तो इटा के आम कहमु सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिते बेले भी तुमके गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन देखा आर तार सॉल्यूशन देखा ना इफ वाई इक्वल टू एतकी कि वाई इज इक्वल टू एतकी, तुमके ऑलरेडी देखा ना गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन आंता गोटे देखा, आ तुमके इटा भी गिवन देखा ना जी ऑलरेडी इफ वाई इक्वल टू एतकी से तुमके गिवन देखा ना, खाली आमके देखबार अच्छे जदि सैटिस्फाई करुचे देन सेटा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिकर बुझिपाल, से तुमके देखा ना बुझिपाल। तो इटा भी तीन प्रकार पिले, तो देखमा चलो, तो खाता बाहर करो एंड नोट करो हला। तो देखो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले कहना तार डेफिनेशन टी अच्छे, इज ए रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इनवॉल्व व्हिच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, जेने सैटिस्फाई करवा से तुम डिफरेंशियल इक्वेशन थ्री टाइप र, तो फर्स्ट है जेनेराल सॉल्यूशन, आ गोटे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, आ गोटे सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा एबे जनरल सॉल्यूशन बोले कहना देख, तो जनरल सॉल्यूशन बोले कहना ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन इफ इट कंटेन्स एज ए मेनी ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, माने कहबा के काना चाहूचे ना जनरल सॉल्यूशन बेले इटा एपिले जे तुमर डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री जितेटा थिबा सेटेटा तुमर ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट थिबा, मन कर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर वन है, तो तुम से डिफरेंशियल इक्वेशन रे गोटे ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट देखा, ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट बोले कहना एम ही पारे कि के ही पारे कॉन्स्टेंट देखा
तो ताके अर्बिटारी कन्स्टांट बोली करी डिफरेंशियल इक्वेशन रे कहा जैसे बुझी पारलो। मन कर डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर दुई है, ऑर्डर केते दुई है तो केतेटा अर्बिटारी कन्स्टांट दिसबा पिले दुईटा अर्बिटारी कन्स्टांट थीबा हने बुझी पारलो हाँ कि नहीं। जदि ऑर्डर थ्री अच्छे बोले तीनटा अर्बिटारी कन्स्टांट एतकी बुझी पारलो। आउ पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोले काना पिले ना ए सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन इफ इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू इट्स ऑर्बिटरी कांस्टेंट। किछि नि पिले से काना पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोले इटा है कि जनरल सॉल्यूशन रो आस्तिबा आ गुटे पार्टिकुलर वैल्यू गुटे पुट करमु दुई पुट करि पारु कि रूट फाइव पुट करि पारु कि माइनस थ्री पुट करि पारु जेन वैल्यू कि तुम्हें से जनरल सॉल्यूशन रे वैल्यू जदि पुट कल सेटा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन बुझी पारल। आ जनरल सॉल्यूशन बोले काना जदि डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर जेते थिबा हेतकीटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट थिबा बुझी पारल। नहीं सर आम बुझी नहीं पार्बार आप तो डेफिनेशन खाली कहले आर बुझीदे आम कि एग्जाम्पल देले सीना आम बुझमु ना बुझब एग्जाम्पल गोटे दमा चल हाँ कि नहीं एग्जाम्पल गोटे दि जा देख सो एग्जाम्पल देख बुक रखा दूचे हाँ बुझीला तो जनरल सॉल्यूशन के कांडा जी आराम से जानबो। देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वाई ए तो इटा जनरल सॉल्यूशन कांडा इटा जनरल सॉल्यूशन काना है इटा जनरल सॉल्यूशन है तुमर वाई इक्वल टू सी ई टू थी पावर एक्स बाहर करीछु अबे सैटिस्फाई करीछे वाई इक्वल टू सी ई टू दि पावर एक्स सैटिस्फाई करीछे तो ये कारण तार सॉल्यूशन है फिर क्या सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन सर आपन केंदा जानले इटा जनरल सॉल्यूशन है बोली करी सॉल्यूशन तो तीनटा अछे सर सॉल्यूशन तो तीनटा अछे जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन सिंगुलर सॉल्यूशन। अच्छा पिले देखो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू वाई वाई इक्वल टू सी टू दि पावर इटा तार सॉल्यूशन है बोली जानछो बट जनरल सॉल्यूशन बोली करी केंदा जानु ना पिले इटार ऑर्डर केते पिले थोड़े डिफरेंशिएट ही छे ऑर्डर केना जानबू जिते थर डिफरेंशिएट ही थिबा बा जिते थर डेरिवेटिव ही थिबा सेटा हला से डिफरेंशियल इक्वेशन रे काना ऑर्डर है हाँ कि नहीं। अरे पिले जिते थर डेरिवेटिव ही थिबा सेटा हला से डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर है तो ई थरे केते थरे डेरिवेटिव ही छे ना पिले हाँ कि नहीं थरे डेरिवेटिव ही छे तो इटार ऑर्डर केते पिले वन है ऑर्डर वन है ऑर्डर काना है वन है ऑर्डर वन है तार सॉल्यूशन काना है इटा है तो सॉल्यूशन रे देखो पिले गुटे कैखा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छी सी जेनटा कि तुम है ऑर्बिटरी कांस्टेंट बुझी पार्ल कि नहीं गोटे एका तुम ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छे अच्छे कि नहीं गोटे एका तुम ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छे तो जनरल सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन काण कहे तार डेफिनेशन ना तुम डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर जेते थिबा पिले तार से जिन सॉल्यूशन भरवा से सॉल्यूशन रे हेतेटा तुमर काणा थिबा ऑर्बिटरी कांस्टेंट थिबा थोरे पूरा भल से सुनो पूरा माइंड पूरा सुनो पूरा भल से हला पूरा भल से सुनो काणा जनरल सॉल्यूशन बेले ना तुम डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर जेते थिबा देखो इन वन तो जिन सॉल्यूशन बाहर इटा सॉल्यूशन इटा है तो से सॉल्यूशन रे ऑर्डर जेते थिबा सेते तुमर ऑर्बिटरी कांस्टेंट थिबा इन ऑर्डर वन अच्छे सो ऑर्बिटरी कांस्टेंट भी गुटे अच्छे जदि इन ऑर्डर टू ही थीता देन इटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट भी टू ही थीता सर के अंता ही थीता गुटे एग्जांपल गुटे दियन सर बुझाउन सर हमें बुझी नहीं पारबा ठीक अच्छे एग्जांपल गुटे नु आराम से बुझी पारबो हला किछि व्यस्त नहीं। आ गोटे एग्जाम्पल नामा देख ऑर्डर टू वाला आराम से बुझी पार्ब एग्जाम्पल टू हाँ एग्जाम्पल लेखा लिखी दूँ किसी नुए डी स्क्वेयर वाई डिवाइड बाय सॉरी डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो इटार सॉल्यूशन है वाई इक्वल टू मन रख इटा बहुत इम्पोर्टेंट है इक्वेशन पूरा मन रख तुम प्रोब्लम बेले बहुत काम दबा मन रख इटा सॉल्यूशन है ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स तो मुई सुना कोई देली इटा सॉल्यूशन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स आगे ट्राए कर देख जब सैटिस्फाई कला बोले जानमु इटा तार सॉल्यूशन है बोली करी हाँ कि नहीं सॉल्यूशन है बोली करी हमें आराम से जानमु सो इटा ला तार सॉल्यूशन तो ई सॉल्यूशन जदि इटा ने जदि सैटिस्फाई कला देन आम कहसु इटा सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ कि नहीं तो तापर इटा तापर
जदि सल्यूसन बोलिक साटिस्फाए है साटिस्फाए हो सारापर आम जानमु जो सल्यूसन अफ डिफरेंशियल इक्वेशन तापर आम बाहर करमु जे जेनेल कि पार्टिकुला कि सिंगुलार बोलिक हाँ कि नहीं तो फास्ट साटिस्फाए करुचे कि नहीं देख बुझीपार यदि बुझ नहीं पार्बा बोलिए कह सर बुझी नहीं हबार बोल सर के कह आम तो खाली कमेंट कर पार्मू एक नहीं तो देख इटा डेरिवेटिव करी जेहतु आम के कहना डेरिवेटिव हिसाब अच्छे इटा के साटिस्फाए करार अच्छे तो इटा दुई थर डेरिवेटिव अच्छे तो फास्ट डेरिवेटिव कर डीवाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करमु डीवाई बाई डी एक्स ए तो कन्स्टांट है हाँ कि नहीं कस एक्स डेरिवेटिव काना पीले साइन एक्स काना माइनस साइन एक्स वेरी गुड नहीं से खाली साइन एक्स नहीं से माइनस साइन एक्स सो माइनस साइन एक्स देन प्लस बी तो कन्स्टांट है साइन एक्स डेरिवेटिव काना पीले कस एक्स जेहतु आम के कहना दुई थर डेरिवेटिव अच्छे तो आ थर डेरिवेटिव करमु तो सेकेंड अर्डर डेरिवेटिव हम गए सो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर तो माइनस के माइनस ए के ए साइन एक्स डेरिवेटिव कॉस एक्स देन बी के बी कॉस एक्स डेरिवेटिव कण माइनस साइन एक्स तो माइनस देली बी लिखली कॉस एक्स कण माइनस साइन एक्स तो माइनस आगे लिखीदेली सो माइनस साइन एक्स देख पिले इन भी माइनस अच्छे इन्हें भी माइनस अच्छे तो कण मुझे माइनस कमन आनी पारि हाँ कि नहीं हाँ सर आनी पारि किसी असुविधा ना सो माइनस कमन आनली तो है कण पिले ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स देख पिले ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कण पिले तुम वाई ए देख 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 भल से देख कण ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कण वाई ए तो मुझे लिखिपार पिले डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई बोलिक लिखिपारि है जदि इटा लेफ्ट साइड आने बोले कण हाँ प्लस वाई हाँ सो यहाँ जदि लेफ्ट साइड आने कण हाँ डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो सैटिस्फाई है कि नहीं तो इटा है तार सल्यूसन है किन प्रकार सल्यूसन है पिले तुम जेनेल सल्यूसन कि तुम पार्टिकुलार सल्यूसन कि तुम सिंगुलर सल्यूसन केनटा कही देख आर के जी कहब कारण भी कहब है किन सल्यूसन कहब आ तार कारण भी के जी है कहब जेन मने जदि जेनेल सल्यूसन बोली भावुछ से मनटा ठीक के जी ठीक देख पिले इटार अर्डर केते पिले दुई थर डिफरेन्सीएट हो मैंने इटार अर्डर केते अर्डर है टू टू एटार सल्यूसन केनटा एटार सल्यूसन इटा है वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स केतेटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छे देख दुईटा अच्छे ए गोटे बी गोटे तो यहाँ ऑर्बिटरी कांस्टेंट केतेटा दुईटा तो ये जेनेल सल्यूसन है अच्छा ये पार्टिकुलार सल्यूसन विषय जानमा जेनेल सल्यूसन विषय जान लो कण ना डिफरेन्सीआल इक्वेशन अर्डर जितेटा थी से सल्यूसन काणा ना हेतकीटा तुम ऑर्बिटरी कांस्टेंट थी ताके आम जेनेल सल्यूसन कहमु हला जदि मुई इ सल्यूसन रे हला तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो थिला इटार सल्यूसन काणा थिला इटार सल्यूसन थिला काणा इटा सल्यूसन थिला ना वाई इक्वल टू थिला ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स जदि टाने जदि ए आउ बी रे जदि मुई वैल्यू पुट कर देली गुटे वैल्यू देन इटा कम आमे पार्टिकुलर सल्यूसन माने वाई इज इक्वल टू टू कॉस एक्स प्लस टेन साइन एक्स ये कण हाँ पार्टिकुलर सल्यूसन हाँ गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पुट कली ना गोटे पर्टिकुलर वैल्यू पुट कली टू मैं वाई इज इक्वल मुझे करदेवि रूट फाइव कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स इटा गोटे भी पर्टिकुलर वैल्यू इटा गोटे भी पर्टिकुलर वैल्यू तो यहाँ है तुम पर्टिकुलर सल्यूसन कहब पर्टिकुलर खाली किसी नहीं जेनेल सल्यूसन जान लो बोले पार्टिकुलर सल्यूसन भी आराम से जानब पार्टिकुलर सल्यूसन किसी नहीं ना खाली आम वैल्यू पुट करमु जदि वैल्यू पुट कर देनु सेटा पार्टिकुलर सल्यूसन जो डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर जेतेटा थिबा तार सल्यूसन रे जदि हेतकीटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अछे ताके आम कहमु जेनेल सल्यूसन बुझि पारलो आ जदि जेनेल सल्यूसन रे बा सल्यूसन रे जदि सल्यूसन रे सल्यूसन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन रे जदि आम वैल्यू पुट कर देनु देन आम ताके कहमु पार्टिकुलर सल्यूसन बुझि पारलो एबे टिके जिमा सिंगुलर सिंगुलर सल्यूसन तो सिंगुलर सल्यूसन डेफिनेशन काना कहचे देख ए सल्यूसन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ए सिंगुलर सल्यूसन
इफ इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स जनरल सॉल्यूशन बाय द असिंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू इट्स ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो इटा काना पिले ना सिंगुलर सॉल्यूशन बेले जेनटा कि तमर जनरल सॉल्यूशन रु आसीनी थीबा बुझी पारल आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट भी नहीं थीबा। जनरल सॉल्यूशन रु जदि नहीं आसबा बेले काना ऑर्बिटरी कांस्टेंट भी नहीं थीबा हो कि नहीं। एग्जांपल जेंता सिंगुलर रो सिंगुलर रो ते जानी थवा खाली सिंगुलर सॉल्यूशन नो डिफरेंशियल इक्वेशन उठे अछि dy / dx² x dy / dx + y = 0 तो y इक्वल टू काना छ x स्क्वायर बाय 4 अछि। तो इने किछ देखो इने काना ऑर्डर 1 है ऑर्डर गांडा 1 है तो ऑर्डर 1 बोले काना गुटे ऑर्बिटरी कांस्टेंट थिबार कथा बट ऑर्बिटरी कांस्टेंट नै ना। तो जदि ऑर्बिटरी कांस्टेंट नै ना बोले काना एटा सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन रो डेफिनेशन काना तो सिंगुलर सॉल्यूशन रो डेफिनेशन इटा है कि ना जिन सॉल्यूशन टा रे ऑर्बिटरी कांस्टेंट नै थिबा बा जनरल सॉल्यूशन रु नै आसी थिबा। जदि ऑर्बिटरी कांस्टेंट नै ना बोले जनरल सॉल्यूशन रु एखानी आसबा हो कि नै। इने जदि ऑर्बिटरी जदि कांस्टेंट थिता बोले काना एटा जनरल सॉल्यूशन हि थिता। तो सिंगुलर सॉल्यूशन बोले काना जेनटा कि तुम्हार जनरल सॉल्यूशन रु नहीं आसी थीबा आर ऑर्बिटरी कांस्टेंट नहीं थीबा बुझी पारल। तो बुझी पारल पिले जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन आउ सिंगुलर सॉल्यूशन बुझी पारल। एबे आमे पढ़मा फॉर्मेशन ऑफ इन तुम्हार अच्छे तुम्हार बुक रु भी इन का प्रॉब्लम दी है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन ऑफ लख ये हेडिंग कर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले काना ना तुमके गुटे दी थिबा स्टेट ऑफ लाइन रो फार्मूला दी थिबा भाई गुटे फार्मूला दी थिबा सेटा के हमें काना करमु ना डिफरेंशियल इक्वेशन रे कन्वर्ट करमु बा फॉर्मेशन करमु सर केंदा गले बुझी नै हबा। तो एग्जांपल नो छ आराम से बुझी पारबो मन करो छ y = mx एटा गाना तमो स्ट्रेट लाइन रो फार्मूला y = mx + c जेतुटा ओरिजिन रु जी छ तो c तमोर 0 निया गला जेतु ओरिजिन रु जी छ तो y = mx। तो इटा के आमे काना डिफरेंशियल इक्वेशन रे कन्वर्ट करमु इटा भी बहुत सहजा पिले ना केंदा रे करबो देख फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन केंदा करबो देख इटा तो दला तमोर इटा हो गेनी दला इ तमोर काना है तमोर डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स तमोर काना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एम काना है तमोर ऑर्बिटरी कांस्टेंट बा कांस्टेंट है। तो इटा के हम केंदा रे डिफरेंशियल इक्वेशन आनमा देख पिले ना इटा के देमो इक्वेशन 1 केतेटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अछि गुटे कछि केतेटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अछि गुटे कछि एम एका एम तो गोटे ऑर्बिटरी कांस्टेंट है ना हाँ कि नहीं। इटो तुम्हार डिपेंडेंट वेरिएबल इटो तुम्हार डिपेंडेंट वेरिएबल इटो तुम्हार इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी कहाँ तुम्हार कांस्टेंट है ऑर्बिटरी कांस्टेंट है हाँ कि नहीं। मैं कांस्टेंट लिख ली तो कितना कांस्टेंट अच्छे गोटे अच्छे तो जब गोटे अच्छे मैंने थोड़े डेरिवेटिव करूँ हाँ कि नहीं थोड़े डेरिवेटिव करूँ सो इटा के डेरिवेटिव करूँ हाँ कि नहीं। तो आम डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करूँ सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करमु सो कहना डि वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एम तो कांस्टेंट है देन डी एक्स बाय डी एक्स सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एम ये कहना है वन है तो एम इंटू वन एम एखा सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एम हाँ कि नहीं है देख एबे वाई इक्वल टू एम एक्स अच्छे तो मुई एम रो वैल्यू बाहर करबी तो एम रो वैल्यू कहाँ हेबा वाई बाय एक्स सो dy by dx equal to y by x। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जदि बोलबा बेले आमर गुटे एखा एम रहबा आम गुटे एखा लक्ष्य रहबा जे आमे ऑर्बिटरी कांस्टेंट के केंदा करी घुचामु बुझि पालो आमे ऑर्बिटरी कांस्टेंट के केंदा करी घुचामु इटा एखा एम रहबा। देखो इने किछ ऑर्बिटरी कांस्टेंट अछि कि इटा हला तमर डिफरेंशियल इक्वेशन dy dy by dx अच्छे तुम
डिपेंडेंट भेरिएबल गुटे अच्छे तुम्हार इंडिपेंडेंट भेरिएबल अच्छे ये तुम डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हें किसी ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छे कि नहीं ना। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले काण बुझल पीले ना सार फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले आम कांस्टेंट के हटामू आम कांस्टेंट के हटावार अच्छे सेटा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जेन उपाय भी आम हटे पार बुझी पार कि नहीं जेन हिसाब रे भी आम ऑर्बिटरी कांस्टेंट के जो घुचे देनु सेटा है डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हें देख डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स अच्छे इन्हें किसी कांस्टेंट अच्छे कि नहीं ना पिले अच्छे कि नहीं ना। तो यहाँ है तुम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है गोटे गला एन एग्जांपल गोटे करमा न्यूमेरिकल टाइप रो देखो तो क्वेश्चन अच्छे पिले देख क्वेश्चन यहाँ जदि बुक अच्छे बोले लिख क्वेश्चन जो मुझे लिखे दूसरे है फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन बाय सी वन प्लस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स तो बोले देख क्वेश्चन का ना फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन तो आम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करमु तो जहाँ सॉल्यूशन इटा ये गोटे आमके दला तो फास्ट तुम्हें कह पीले ना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले काण तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले सार फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोले ना आम ऑर्बिटरी कांस्टेंट के हटामु तो इन ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितने अच्छे दुईटा अच्छे सी वन आउ सी टू अच्छे मुझे जदि जदि जितेटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट थिबा डेरिवेटिव करमु वाई इक्वल टू एम एक्स रे काना करथिनु गुटेक थिला थरे डेरिवेटिव करनु इने काना दुईटा ऑर्बिटरी कांस्टेंट अच्छे इटा के दुई थर डेरिवेटिव करमु बुझी पारु छो इटा के आमे दुई थर डेरिवेटिव करमु हला। तो फास्ट प्रोसेस काना ना फास्ट तुम्हें जदि तुमके जदि पढ़ला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कर बेला तो फास्ट है जे आम केंता करी ऑर्बिटरी कांस्टेंट के हटामु तापर ऑर्बिटरी कांस्टेंट जितेटा अच्छे इतक तो तुम डेरिवेटिव करबो फास्ट। तो फास्ट मुझे लिखीदेली वाई इक्वल टू सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस सी टू साइन थ्री एक्स दुई थर डेरिवेटिव करूँ जेहतु दुईटा कांस्टेंट अच्छे तो फास्ट डेरिवेटिव करूँ तेला तो यहाँ मुझे डी वाई बाय डी एक्स लिखि पारि या वाई वन भी लिखि पारि मोर उपर रहा मैं बुक वाई वन दिगरी कर तुम डी वाई बाय डी एक्स कल भी हाँ तो यहाँ थे डेरिवेटिव कर भी तुम कर दूस डी वाई बाय डी एक्स तो सी वन तो कण है कांस्टेंट है हाँ कि नहीं कॉस थ्री एक्स तो कॉस थ्री एक्स डेरिवेटिव कण है पीली साइन थ्री एक्स है साइन थ्री एक्स है माइनस साइन थ्री एक्स है साइन थ्री एक्स माइनस पुणी इन कण एक्स नहीं थी कण अच्छे थ्री थ्री एक्स अच्छे तो पुणी थे थ्री एक्स डेरिवेटिव हाँ तो थ्री हाँ हाँ कि नहीं लगे थ्री लिखल हाँ कि बुझे नहीं पार्बा कि पार छ आम कण फर्मूला जानचु डी अफ डी एक्स अफ कस एक्स इज कल कण माइनस सैन एक्स कि एक्स जगार एक्स नहीं थी अच्छे थ्री एक्स अच्छे तो डेरिवेटिव अफ कस थ्री एक्स तुम कण चेन रूल पड़वा तो कस थ्री एक्स फर्मूला कण सैन एक्स सो माइनस सैन एक्स जगार नहीं थ्री एक्स लिखी जेहतु एक्स जगार एक्स नहीं थी थ्री एक्स अच्छे यहाँ तुम पुणी थे डेरिवेटिव हाँ तुम थ्री एक्स पुणी थे डेरिवेटिव हाँ तुम थ्री एक्स सो माइनस साइन थ्री एक्स के साइन थ्री एक्स थ्री तो तुम कांस्टेंट है पुणी तुम डीएक्स डीएक्स तो डीएक्स डीएक्स कण है वन हेसी सो माइनस साइन थ्री एक्स इंटु थ्री एक्स बुझे माइनस साइन थ्री एक्स इंटु थ्री है सो आगे थ्री लिखीदेली फास्ट तो माइनस देली तापर थ्री लिखली देन सी वन साइन थ्री एक्स लिखीदेली यहाँ भी एमती करब चेन रूल जानी तो जो नहीं जानवार से भिड देखि दि अलरेडी अपलोड होना डेरिवेटिव चेन रूल से सजा सजा फर्मूला पड़ू है से बोलिया यहाँ कण हाँ माइनस थ्री सी टू
सॉरी इरा कॉस अच्छे ना कौन तुम सैन रण कॉस अच्छे प्लस थ्री सी टू थ्री सी टू सैन थ्री एक्स मैंने सैन एक्स डेरिवेटिव कौन है कॉस है हाँ कि नहीं सो कॉस थ्री है आ थोड़े डेरिवेटिव करमु क्या कि दुईटा अरबिटारी कन्स्टांट अच्छे सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर साइन थ्री एक्स साइन थ्री एक्स तो साइन रो डेरिवेटिव कौन है कॉस साइन रो डेरिवेटिव कौन है कॉस है सो फिर इन थ्री आवा हाँ कि नहीं साइन थ्री एक्स थ्री गुटे अच्छे फिर कर दो देख थ्री गुटे अच्छे देन सी वन साइन थ्री एक्स रो डेरिवेटिव कौन हवा थ्री इंटू कॉस थ्री एक्स हवा हाँ कि नहीं हवा आराम से इतक बुझीपाल किसी टेंशन नहीं देन माइ प्लस थ्री सी टू कॉस थ्री एक्स डेरिवेटिव कौन हवा माइनस थ्री इंटू साइन थ्री एक्स हवा हाँ कि नहीं बुझीपाल देन डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इ थ्री कौन तीन थ्री के पिले न सो माइनस नाइन सी वन कॉस एक्स लिखि पार्बि देन प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री आर इटा थ्री के हवा नाइन हवा सो नाइन सी टू साइन थ्री एक्स इन थ्री लिखवाटा बोली गल देख सो बुझेगा एवे देख आम इन गोटे पीछू इटा गोटे पीछू दुईटा तो इटा के कले तुम अर्बिटारी कन्स्टांट गायब हवा इलिमिनेट इलिमिनेट कले हवा इलिमिनेट तो इटा के मुझे देली इक्वेशन वन इटा के देली इक्वेशन टू जदि इन्हें जो मुझे थ्री मल्टीप्लाए करदेवी आदि एड करदेवी बोले तुम आराम से इलिमिनेट होगा तो इन इक्वेशन वन इंटू जदि थ्री कली बोले कौन हवा आराम से हवा हाँ कि नहीं ओ इलिमिनेट आमके करबार अच्छे तो आम कौन जेहेतु सेकेंड डेरिवेटिव करूँ तो इटा है तुम इक्वेशन वन देमु इटा देमु इक्वेशन टू देमु आर इटा देमु तुम इक्वेशन थ्री है मोर भूल टिके मिस्टेक है पिले इटा जब मुझे जदि डी वाई बाय डी एक्स देवी किसी भैल्यू एखान क्या आमके दुईटा अरबिटारी कन्स्टांट अच्छे तो दुई थर डेरिवेटिव करमु सो लास्ट रोटा के आरु जेन फास्ट जेन आमके जेन सल्यूसन दीवा से न आम इलिमिनेट करवाके सुविधा हाँ तो देख फास्ट इक्वेशन वन जदि मुई नाइन गुणन करदेवी देन आम आराम से इलिमिनेट कर पार्मु इक्वेशन वन देख तो इक्वेशन वन इंटू नाइन जदि गुणीदेली कौन हवा नाइन सी वन कॉस थ्री एक्स प्लस नाइन सी टू साइन थ्री एक्स बुझेगा कि तुम नाइन वाई इज इक्वल टू ओ इन नाइन वाई गोटे छाड़ीदे एंती देदेसी तुम नाइन वाई इज इक्वल टू बुझेगा से भाया तुम इक्वेशन थ्री रे किसी नहीं वन खाली पुट कर भी सो कौन हवा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन सी वन कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन सी टू साइन थ्री एक्स तो ये कौन कैनसल है तो रहा क्या देख डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो रहा हाँ कि नहीं तो इटा है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इटा है तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बुझेगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन है कि नहीं तुमके इटा दी सॉल्यूशन दी बुझिपाल इटा सॉल्यूशन दी देन आम इटा के फॉर्म करूँ डिफरेंशियल इक्वेशन रे इने किसी तुम अर्बिटारी कन्स्टांट अच्छे कि नहीं ना देख इलिमिनेट कर देनु नहीं ना तो इटा है तुम डिफरेंशियल इक्वेशन बुझीगला आराम से बुझीपाल बुझीगला हेने टे मिस्टेक थी पिले इटा के देव इक्वेशन टू इटा के देव इक्वेशन सरी इटा के देव इक्वेशन वन इटा के देव इक्वेशन टू इटा के देव इक्वेशन थ्री इटार आम किसी काम धंदा नहीं ना क्या कि आम दुईटा अर्बिटारी कन्स्टांट अच्छे तो आम कहना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करदेमु आ जेन फास्ट वाला जेन सॉल्यूशन के सेटा सेटा के दुईटा के इलिमिनेट करदेमु है।
ଏନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ ଅଫ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ଫାଇଭ। ତ ଆମେ କାଣା କର୍ମୁ ଦେଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛେ ନା ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏକା ଫାଇଣ୍ଡ କର୍ମୁ। ସେନେ କାଣା ଦେଇଛେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ର ଫର୍ମୁଲା କାଣା, ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି। ଏମ୍ ହେଲା ତମର ସ୍ଲୋପ୍ ଏ, ୱାଇ ହେଲେ ୱାଇ, ସି ହେଲା ତମର କାଣା ଏ, ୱାଇ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ଏ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତୁମେ ସି ଜାଗାରେ କାଣା ଫାଇଭ୍ ଲେଖିପାରବି, ସୋ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଲେଖିପାରବି। ଆଚ୍ଛା, ଇଟାକେ ଆମେ କାଣା କରବାର ଅଛେ ନା ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କନଭର୍ଟ କରବାର ଅଛେ। ତ ଇଟାକେ କାଣା ଆମେ କାଣା କର୍ମୁ ନା ଇଟାକେ ଆମେ କର୍ମୁ କାଣା କର୍ମୁ ନା ଇଟାକେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ କରବାର ଅଛେ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଅଛେ ଅର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ ଏ, ହଁ କି ନାଇଁ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେଲେ ଫାଇଭ୍ ନେଇ ଧରବ ନା ସାର୍, ଫାଇଭ୍ ଆରୁ ଏମ୍ ଦୁଇଟା ଭୁଲ। ଅର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବେଲେ ତମର ହେଲା କେ ଏମ୍ ବେଲେ ଯେନ୍ଟା ଆଲଫାବେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ସି, ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତ କେତେଟା ଅର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ତମର ଏମ୍ ଏ, କେତେଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ସୋ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ରଫ୍ ଭଳିଆ କରୁଛି ହେଲା, ତମେ ନେଇ ଲେଖିଦେବ ନା ନୋଟ୍ ଖାତାରେ, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କାଣା ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରମୁ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅର୍ବିଟାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଥରେ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କରମୁ। ସୋ ଡି ୱାଇ ବାଏ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେରିଭେଟିଭ୍ କାଣା ହେସି, ଜିରୋ ହେସି, ଡି ଏକ୍ସ କାଣା ୱାନ୍ ଏ। ସୋ ଡି ୱାଇ ବାଏ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାଣା ଏମ୍ ଏ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ, ଡି ୱାଇ ବାଏ ଡି ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏ, ବୁଝିହେଲା, ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଏବେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେବି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେନ୍ ଏମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଇଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରେ ପୁଟ୍ କରିପାରିବି, ତ ପୁଟିଂ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଇନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍। ସୋ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଣା ଲେଖିପାରିବି, ଡି ୱାଇ ଅଫ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଲେଖିପାରିବି, ହଁ କି ନାଇଁ, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବି। ଯଦି ଏଇଟାକେ ଯଦି ମୁଇଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଆଣିଲି ବୋଲେ କାଣା ମାଇନସ୍ ହେବା, ହଁ କି ନାଇଁ, ମାଇନସ୍ ହେବା। ସୋ ଲେଖିପାରିବି ଡି ୱାଇ ଅଫ୍ ଡି ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏଇଟା ହେଲା ତମର କାଣା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଯଦି ବୁକ୍ ଦେଖ୍ବ ବେଲେ ଡି ଓ ଆଇ ବାଏ ଡି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଖାଲି କାଣା ଲେଖିଛେ, ଖାଲି ଲେଖିଛେ ୱାଇ ୱାନ୍ ବୋଲିକରି, ୱାଇ ୱାନ୍ ନେଇଯାଇଛେ, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ସୋ ଏକ୍ସ ୱାଇ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇଟା ବି ରାଇଟ୍, ଏଇଟା ବି ରାଇଟ୍, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ। ସୋ ଯେନ୍ଟା ବି ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏକା ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ କୋଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛେ, ତମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଅଛେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଅଛେ। ସୋ କାଣା ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ତ ଥିଲା ଆମର କାଣା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଥିଲା। ଇଟାକେ ଆମେ କେନ କନଭର୍ଟ କନୁ, ଇଟାକେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କନୁ ତମର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍, ବୁଝିପାରିଲ, କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାଇଁ ନା। ଆରେ ହଁ ହଁ, ଆରେ ହଁ 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 ହଁ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଝିଲ ରେ, ବୁଝୁଛ ହେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ବୁଝୁଛ ହେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ବାଲକ ବାଲିକା, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ତମର ନା, ତମର ଅଛି, ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିଦିଅ ପିଲେ, ଯଦି ନେଇ ଲେଖବାର ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖଲା ଆଗକେ ବଢ଼ିବି, ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ, ଲେଖ ଲେଖ ନ ଦେଖ ଲେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ କରି କରି। ଦେନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛେ ତମର ଇନିସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍,
आ गोटे अच्छे है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले का पीले देख डायरेक्ट ना जेन वैल्यू पॉइंट एक्स थिबा ताई कहूँ आम मैंने खाली गोटे वैल्यू दूथिबा गोटे वैल्यू बतुथिबा एक्स रो सेटा ला इनिशियल जदि अधिक बताला सेटा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सार बुझी नहीं है एग्जांपल दियो बोलबो हाँ कि नहीं सार डेफिनेशन आपन कह दिले एग्जांपल किसी दियो आम भलसे बुझी पारमु। तो देख तुम बुक रखा दूचे आराम से मन कर अच्छे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स विथ कंडीशन तुमके गिवेन दीथिबा ना बुक रेखा दीथिबा ना विथ कंडीशन तो कंडीशन दीथिबा वाई जीरो इक्वल टू वन वाई डैक्स जीरो इक्वल टू टू इटा बहुत इम्पोर्टेंट। तो जेन ब्राकेट रे दीछे सीटा है तुम एक्स रूल्य बुझी पार कि सीटा तुम एक्स रूल्य। तो इन्हें देख इनु आम काना पेमु देख इनु आम काना पेमु तो इन्हें एक्स रैल्यू है तुम जीरो और तुम वाई रैल्यू है वन वाई रैल्यू है वन बुझेगा इन्हें काण तुम डेरिवेटिव जीरो इन्हें काण एक्स रैल्यू जीरो एक्स रैल्यू जीरो और तुम वाई रैक्स अच्छे मैंने डेरिवेटिव सो डी वाई डी एक्स रैल्यू के टू तो इन्हें भी एक्स रीरो इन्हें भी एक्स रैल्यू जीरो तो गोटे देखा से जीरो तो ना तो यहाँ है तुम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये तुम इनिशियल बोलिक जानमु जदि गोटे वैल्यू देला एक्स खाली नॉट वाई वाई जितेटा दौ इन्हें तो दुईटा दी से हाँ कि नहीं वाई रुईटा अच्छे गोटे टू अच्छे गोटे वन अच्छे आमको कि देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखबार अच्छे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जदि गोटे वैल्यू दूची गोटे वैल्यू रे देन सेटा इनिशियल जदि अधिक देला देन सेटा है बाउंड्री। जदि अच्छे देख जदि आउ गोटे एग्जांपल देख बाउंड्री वाला डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो विथ कंडीशन विथ कंडीशन कंडीशन तुमको दी थी वाला वाई जीरो इक्वल टू जीरो आउ वाई पाए बाय टू इक्वल टू वन। तो फास्ट देख वाई जीरो इक्वल टू जीरो आउ वाई पाए बाय टू इक्वल टू वन रे देख ब्राकेट भितरे जिनटा थिबा सेटा हला एक्स रो वैल्यू कहिछे तो ब्राकेट भितरे काना अछि जीरो अछि तो एक्स रो वैल्यू हला जीरो अच्छा वाई रो वैल्यू काना है इटा भी जीरो है ब्राकेट भितरे जहाँ थिबा सेटा हला एक्स रो वैल्यू सो एक्स रो वैल्यू हला पाए बाय टू वाई रो वैल्यू हला वन। तो एक्स रो वैल्यू देख डिफरेंट सो इटा हला तमर बाउंड्री डिफरेंट देला कि नहीं दीर एक्स रो वैल्यू डिफरेंट देला इन्हें जीरो देला इन्हें पाए बाय टू दे बुझी पार्ल। तो किनटा तुम इनिशियल किनटा तुम कण आज आराम से जानी पार्ल किसी डाउट अच्छे कि आराम से बुझी पार्ल हाँ कि नहीं जदि तुम इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले क्या एक्स एक्स रि गोटे वैल्यू देवा इन्हें कण इन्हें भी जीरो देला इन्हें भी जीरो देला से जीरो एखा तो दूचे ना तो गोटे वैल्यू एखा दूचे सीटा है इनिशियल जदि डिफरेंट देला डिफरेंट वैल्यू देला इन देख डिफरेंट डिफरेंट अच्छे जी डिफरेंट वैल्यू देला सेटा है बाउंड्री एत की रखा है। तो चलो प्रॉब्लम मन करमा बुझी पार लगे प्रॉब्लम मन करद तो फास्ट एग्जांपल गोटे नु क्वेश्चन लेख कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो सब्जेक्ट टू द कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई पाई बाय टू इक्वल टू वन बुझी पार्ल। वी कैन वेरीफाए दैट वाई एक्स इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स
इज ए जेनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कण कहला पिले ना आमके डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे दीछे एंड कंडीशन दीछे आमके भेरीफाई काना करबार अछि जेन ई जेन तुमर अछि सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स ई तुमर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो रो ई जेनेराल सल्यूसन ईए बोली करी आमके काना भेरीफाई करबार अछि जेनेराल सल्यूसन बोली करी भेरीफाई करबार अछि। तो केनता करमा जे देखो तो चालो करमा क्वेश्चन लिखि दियो हला जे तुम अलग पेपर करबी क्वेश्चन लिखि दियो हला लिख लो आके बढ़ तो फास्ट आम क्या जेनेराल सल्यूसन काना देला तो चलो ये हमें प्रूव करमा तो सल्यूसन आम क्या देला वाई एक्स इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। तो आमके कंडीशन काना काना दीछे कंडीशन देखो कंडीशन आमके दीछे ना वाई जीरो इक्वल टू जीरो गोटे दीछे आ गोटे कंडीशन दीछे आ गोटे कंडीशन इन लिखि दूचे वाई पाए बाय टू इक्वल टू वन। तो ये जगह एक्स इक्वल टू जीरो ब्राकेट भी जेनटा थी सीटा क्या जीरो है तो एक्स जीरो है वाई भी जीरो है फिर ये कंडीशन क्या एक्स तुम पाए बाय टू है एंड वाई तुम वन है हाँ कि नहीं एतकी है। तो फास्ट आम क्या एक्स जगह जीरो पुट करमु ये कंडीशन तो जदि वाई जगह जदि जीरो पुट कली देन सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो बुझीला वाई जीरो इक्वल टू कॉस जीरो के वन हेसी सो सी वन इंटु वन सी वन साइन जीरो जीरो हेसी सो सी टू इंटु जीरो जीरो सो वाई जीरो जीरो इक्वल टू क्या सी वन। सो मुझे लिखिपारि देख मुझे लिखिपारि सी वन इज इक्वल टू जीरो बोल कर कि नहीं अर्बिटारे कन्स्टांट भैल्यू बाहर करमु आर पुट करदेमु आर कि नहीं एमती एका करवाटा तापर इ कंडीशन गला एबे इ कंडीशन के देखमा के इ कंडीशन अरे तुम दुईटा कंडीशन दीछे ना बिले देख इ कंडीशन गोटे दीछे इ कंडीशन गोटे दीछे तो इ कंडीशन काम सरला ए कंडीशन काम करमु तो ये कंडीशन के मुझे खाली इ पाखे लिखिदेली। तो नेक्स्ट वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स सो वाई एक्स इक्वल टू क्या पाए बाय टू ने सो पाए बाय टू ने सो सी वन कॉस पाए बाय टू प्लस सी टू साइन पाए बाय टू बुझीला। तो कॉस पाए बाय टू बोले क्या कॉस नाइंटी क्या हेसी जीरो हेसी साइन पाए बाय टू क्या हेसी वन हेसी वन हेसी तो वाई पाए बाय टू सो वाई पाए बाय टू ये हाँ कि नहीं सो वाई रैल्यू कण है वन है वाई रैल्यू कण है वन है इन्हें जेन वाई रैल्यू कण है जीरो है वाई रैल्यू कण है जीरो है इन्हें से भाया तुम एक्स जगह पुट कनु वाई रैल्यू कण है वन है सो वन इक्वल टू सी वन इंटु जीरो प्लस सी टू इंटु वन सो वन इक्वल टू तो कण जीरो कण होगा जीरो सी वन इंटु जीरो जीरो सी टू इंटु वन सी टू हाँ कि नहीं तो इन आम क्या पेनु ना सी टू इज इक्वल टू वन पेनु तो एबे आमे पेनु सी वन रैल्यू जीरो सी टू रैल्यू वन हाँ कि नहीं तो एबे आमे कण जानी ना सल्यूसन के निशे जानमु तो वाई एक्स इक्वल टू बा वाई इक्वल टू कण सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स सो वाई इक्वल टू सी वन के पाई पीले जीरो देख सी वन के पाइन जीरो सो जीरो इंटु कॉस एक्स प्लस सी टू के पाइन वन वन इंटु साइन एक्स सो वाई इक्वल टू कण हवा साइन एक्स हवा और ये एमती एक्स लिखले भी चलवा कि नहीं है सामानटा द सल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज गिवन बाय वाई इक्वल टू साइन एक्स ये इतक।
आमे बुझी पार अरे हाँ हाँ बुझी हला आ गोटे प्रॉब्लम अच्छे कर दमा किछि नै पिले खाली कंडीशन के अप्लाई करो आ किछि नै हला कंडीशन के खाली अप्लाई करबो आ गोटे क्वेश्चन हला सॉल्व द आईवीपी माने काना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाई डबल डैक्स प्लस फाइव वाई डैक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो कंडीशन देख देला जितेले वाई जीरो जीरो वाई डैक्स जीरो वन गिवन द जेनरल सॉल्यूशन ए जनरल सॉल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू इटा वाई हला वाई वाई इक्वल टू फोर नहीं भाभी दबो सी वन ई टू दि पावर माइनस फोर एक्स प्लस सी टू ई टू दि पावर माइनस एक्स तो इटा के आम का करमु ना सॉल्व करवार अच्छे तो क्वेश्चन लिखी दियो तो इन मेन किसी नहीं खाली जेनेल सल्यूसन आखा आ कंडीशन तो कंडीशन देख कण दे तो फास्ट वाई जीरो गोटे जीरो दीछे आ गए दीछे वाई डैक्स जीरो इक्वल टू वन दीछे हाँ कि नहीं तो ब्राकेट भर में जेनटा थी से कण एक्स रूल्य तो एक्स रूल जीरो इंटू वाई इक्वल टू जीरो यहाँ भैल्यू कण डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कण है वन है एक्स रैल्यू कण है जीरो तो फास्ट आम का करमु ये कंडीशन के अप्लाय करमु तो तुमको कण दिशे यहाँ है तुम जेनेल सल्यूसन तो मुझे जेनेल सल्यूसन लिखी दे वाई इज इक्वल टू सी वन इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स प्लस सी टू इ टू दि पावर माइनस एक्स हाँ कि नहीं तो मुई जदि एक्स रैल्यू जीरो पुट करबी तो कण हाँ सी वन इ टू दि पावर माइनस इंटु जीरो प्लस सी टू इ टू दि पावर माइनस जीरो सो फोर इंटु जीरो तो इ टू दि पावर जीरो कण है वन आखा हवा तो बुझे लगे नहीं वन यार भैल्यू कण वन आखा हवा सो सी वन प्लस सी टू वाई जीरो रैल्यू कण है जीरो है वाई रैल्यू कण है जीरो है तो वाई रैल्यू जीरो है तो टी सिंप्लीफाई कर लिखिदेवी खाली कण लिखिदेवी सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो कंडीशन के जीवी ई वाला कंडीशन ये कंडीशन गोटे डेरिवेटिव अच्छे डेरिवेटिव टर्म देखुछ तो मुझ टर्म के कण डेरिवेटिव करमी सो वाई इज इक्वल टू सी वन इ माइनस फोर एक्स प्लस सी टू टू दि पावर माइनस एक्स बुझीला सो इटा के मुझे कण करी डेरिवेटिव करी कण करी डेरिवेटिव करी सो लिखी पार्बि वाई डैस एक्स इज इक्वल टू जो डेरिवेटिव करी बोले कण हाँ ना सी वन इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स डेरिवेटिव कण इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स एखा देन एक्स जगह एक्स नहीं थी कण अच्छे माइनस फोर एक्स अच्छे तो माइनस फोर एक्स डेरिवेटिव बोले कण हाँ माइनस फोर हाँ प्लस सी टू के सी टू इ टू दि पावर माइनस एक्स पुणी एक्स जगह एक्स नहीं थी कण एक्स कण अच्छे एक्स अच्छे तो यहाँ डेरिवेटिव करमु कण माइनस वन हाँ सो वाई एक्स रण है एक्स कैंड है जीरो है एक्स कि नहीं तो एक्स कैंड है जीरो है सो जीरो कली देन टे सजे कर लिखीदे खाली खाली कण कली सजे कर लिखी दे तो यहाँ हाँ कण माइनस फोर सी वन इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स आईटा हाँ तुम कण माइनस सी टू इ टू दि पावर माइनस एक्स खाली कण कली सजे कर लिखीदेली एवं कण डी वाई बाय डी एक्स जेहतु डेरिवेटिव वाई डैक्स मैंने कण थे डेरिवेटिव हिचे ना तो थे डेरिवेटिव हिचे हाँ कि नहीं थे डेरिवेटिव हिचे तो वाई डैक्स मैंने कण थे डेरिवेटिव हिचे तो डी वाई बाय डी एक्स वैल्यू कण है वन है तो यार वैल्यू कण है वन है सो माइनस फोर सी वन इंटू दि पावर माइनस फोर एक्स
माइनस सी टू इू टू पावर माइनस एक्स। अच्छा एक्स रैल्यू जीरो, एक्स रैल्यू काना है जीरो है, एक्स रैल्यू काना है जीरो है, तो मुझे जीरो पुट कर देसी। सो वन इक्वल जब जीरो पुट कर देली देन इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स कण हाँ वन हाँ देन इ टू दि पावर माइनस एक्स जो जीरो पुट कर इ टू दि पावर जीरो कण है वन है। सो फोर सी वन इंटू वन कण है फोर सी वन इंटू वन कण माइनस फोर सी वन कण माइनस सी टू हवा हाँ कि नहीं हवा तो टे खाली सजे दौ माइनस फोर सी वन माइनस सी टू इज इक्वल टू वन इतकी बुझी हला हाँ कि नहीं। तो जिन फास्ट वाला के आम काना करमू ना इक्वेशन सॉरी इटा गोटे बाहरी थिला कंडीशन केंटा इटा गोटे कंडीशन बाहर थिला तो इटा के देली मन कर इक्वेशन वन देली इटा के देली इक्वेशन टू देली इटा के इक्वेशन थ्री देली तो टू आउ थ्री के जदि एड करबे देखबो तो एलिमिनेट हो जाबा तुम काना सी वन सी टू वैल्यू बाहर आराम से सी वन सी टू वैल्यू बाहर। सो इक्वेशन टू आर इक्वेशन थ्री के मुझे काना करबी एड करदेमी बुझी पाला एड करदेमी। सो माइनस फोर सी वन माइनस सी टू इजिकल टू वन देन तुम सी वन प्लस सी टू इजिकल टू जीरो क्या एड कर भी देख एड कले कण हाँ माइनस सी टू प्लस सी टू कैनसल होगा तो माइनस सी वन प्लस सी वन के माइनस थ्री सी वन इजिकल टू कण वन। सो सी वन इजिकल टू कण माइनस वन बाय थ्री बुझीला माइनस वन बाय थ्री। फिर आम इक्वेशन टू रु जानी फ्रम इक्वेशन टू रु आम जान सी वन प्लस सी टू इजिकल टू जीरो है सी वन प्लस सी टू इजिकल टू जीरो है तुम्हें काण कर भी सी टू इजिकल टू काना माइनस सी वन सियाड़ गले काना माइनस ही जीवा तो सी वन रैल्यू तो जानी से ना पीले तो सी वन रैल्यू पुट करदेवी माइनस अफ सी वन रैल्यू काना माइनस वन बाय थ्री। सो सी टू रैल्यू काना माइनस टू माइनस प्लस वन बाय थ्री तो सी वन रैल्यू यटा सी टू रैल्यू यटा बुझीला एबे मुझे इक्वेशन वन खाली पुट कर देबी तार वैल्यू मन आर किछि नै करे। सो इक्वेशन वन पुट करू छ देखो सो वाई इक्वल टू इलो लिखि दू छला ए तू जगह नै थबा इने लिखि दू छ वाई इज इक्वल टू सी वन सी वन इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स जगह ओ सी वन वैल्यू तो लिखबी ना पिले सी वन वैल्यू के माइनस वन बाय थ्री इ टू दि पावर माइनस फोर एक्स बुझिपार प्लस सी टू वैल्यू सी टू इ टू दि पावर माइनस एक्स अच्छे ना तो सी टू रैल्यू कण लिखी वन बाय थ्री लिखी कण लिखी वन बाय थ्री लिखी। सो वन बाय थ्री इ टू दि पावर माइनस एक्स यहाँ है तुम आंसर इटा है तुम पार्टिकुलर सल्यूसन देख पूरा वैल्यू पुट कर तुम पार्टिकुलर सल्यूसन ये बुझीगला। आ गोटे क्वेश्चन देखमा कि नहीं से कंडीशन के खाली पुट करब एक्स रैल्यू वाई रैल्यू आर कि नहीं है मन कर अच्छे कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स विथ कंडीशन वाई जीरो इक्वल टू वन एंड वाई डैक्स जीरो इक्वल टू टू बुझी पार। सो इटा करमा आम तो इनु देख एक्स रैल्यू कण जीरो हाँ ब्राकेट भितर जेनटा से जीरो है वाई रैल्यू कण है वन है कण एक्स रैल्यू कण है जीरो है वाई डैक्स मैंने कण डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कण है टू है एवं जेनता करूँ हाँ कि नहीं टी खाली अलग हाँ क्या तुम डिफरेंशियल इक्वेशन दीछे सेने तुम सल्यूसन दीला इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दीछे तो टी अलग हाँ तो देख सहजे आज किसी नहीं ना डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कण है कॉस एक्स है हाँ कि नहीं तो यहाँ मुझे लिखी पार्बी डिफरेंशियल इक्वेशन ये टाइप लिखी पार्बी आराम से लिखी पार्बी इक्वल टू कण है कॉस एक्स यहाँ खाली टी मोडिफाई कर लिखीदेली बुझी पार्ल हाँ कि नहीं डी एक्स के मुझे सियाड़ के नहींदेवी। सो डी अफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स एवे कण कर पिले ना इंटीग्रेशन करदेवी इंटीग्रेशन करदेवी इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन जो करदेवी इंटीग्रेशन करदेली
तो इंटीग्रेशन कर देली कौन हवा गोटे इंटीग्रेशन कर देली डी वाई वाय डी एक्स इंटीग्रेशन कर देली कॉस एक्स डी एक्स दुटा इंटीग्रेशन कले कौन हवा डी वाई वाय डी एक्स हवा कलु कॉस कॉस रो कॉस एक्स रो इंटीग्रेशन कौन है साइन एक्स है साइन एक्स प्लस सी वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर गोटे लगे देवी सी वन लगसी जानस हाँ कि एबे आमे एतक बाहरी सारापर आम काना कंडीशन के जीमा तो कंडीशन आम के काना देख जेहेतु इटा डी वाई बाय डी एक्स अच्छे तो कंडीशन किन कंडीशन के जीमा ये कंडीशन के जीमा देख ये कंडीशन के जीमा तो ये कंडीशन का डी वाई बाय डी एक्स काना है तुम टू है आर एक्स काना है जीरो है सेटा खाली मुझे पुट करी सो डी वाई डी एक्स के टू है सो इन का टू पुट कली सैन एक्स जारी का जीरो पुट करी प्लस सी वन कि सी वन तो सैन जीरो रैल्यू तो जीरो है सो तुम सी वन इजल कौन है टू है तो सी वन रैल्यू कौन पेली टू पेली एबे जेन सी वन रैल्यू टू पेली सेटा मुई पुट करदेवी के ना तुम इन पुट करदेवी हाँ कि तो इन मुझे कण करदेवी पुट करदेवी तो चलो पुट कर दमा सो मन कर देली इटा के इक्वेशन मान दे देसी हला इक्वेशन मान दे दीथु इक्वेशन टू दीथु इक्वेशन थ्री सो पुटिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू यदि पुट कर देबी बोले कौन हवा ना डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी वन जगह कणा टू खाली लिखी देवी हाँ कि आराम से हवा आराम से हवा एवं कण आटिके करी ना देख देखी दियो एवं जेन डी एक्स अच्छे डी एक्स के मुझे से साइड नहीं जीवी है सो डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस टू इंटू तुम डी एक्स यहाँ पुणी थोड़े इंटीग्रेशन करी हाँ कि नहीं तो यहाँ पुणी थोड़े इंटीग्रेशन बोथ साइड तो इंटीग्रेशन जब करदेली बोले कहना देख इंटीग्रेशन करदेली डायरेक्ट करदेली सो डी वाई इंटीग्रेशन वाई देन साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कौन है माइनस कॉस एक्स देन टू डी एक्स इंटीग्रेशन कौन है टू डी एक्स मैंने टू डी एक्स इंटीग्रेशन कौन एक्स सो प्लस टू एक्स इंटीग्रेटन इंटीग्रेशन कौन फैक्टर गुट लगवा तो इन देखु सी वन इन देमु सी टू बुझीपार हाँ कि नहीं तो ये देख ए किन कंडीशन के फॉलो करमु ये कंडीशन के फॉलो करमु तो इन कौन एक्स इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू वन सो वाई जगह मुझे पुट करी वन माइनस कॉस एक्स जगह जीरो प्लस टू इंटु जीरो प्लस सी टू तो कॉस जीरो के पिले कॉस जीरो के कॉस जीरो वन हाँ कि नहीं सो वन इक्वल टू माइनस वन प्लस सी टू सो सी टू इज इक्वल टू माइनस वन जदि लेफ्ट साइड नहीं बोले कौन हाँ प्लस वन हाँ सो सी टू इज इक्वल कौन हाँ टू है इक्वेशन फोर बुझीपार हाँ कि नहीं तो सी टू इज इक्वल कौन है टू है तो ये हाँ इटा जेन भैल्यू अच्छे इटा दे फोर दू इटा दे फोर इटा है तुम फाइव तो सी टू रैल्यू आम इना पुट करदेमु सो पुटिंग इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन फोर सो वाई इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस टू एक्स सी टू जगह कण ये जेन सी टू जगह मुझे कण पुट करी टू पुट करी खाली टू पुट करदेली कण कली टू पुट करदेली एतक काम ये इतक तुम काम बुझिपाल कंडीशन देला ताकि आम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम साहय कनु काणा कनु फास्ट आम फॉर्मेट के आनु डिफरेंशिएट कनु खाली सी वन सी टू वैल्यू बाहर कनु आर किछि नै करी बुझिपाल सी वन सी टू वैल्यू खाली बाहर कनु जिन कंडीशन दिथिला से कंडीशन के आम एप्लाय कनु आ गोटे एग्जांपल अछि बिली देखू सो आउट एग्जांपल देखो गिवन दैट वाई इक्वल टू वाई पिले फोर नहीं भाभी देव हवा है वाई इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स इज द जेनेराल सॉल्यूशन ऑफ द
डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो कण कही यूजिंग दिस सो दैट द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। तो आम प्रूव करमु जे तार सॉल्यूशन नहीं से बोली करी मुझे भल लगे वाई इक्वल टू जीरो कंडीशन कौन दला ना वाई जीरो इक्वल टू जीरो वाई पाई इक्वल टू वन। सो कंडीशन इनर मेन फोकस कहना कंडीशन एखा तो ब्राकेट भितर जेनटा थी सेटाला एक्स रैल्यू तो ब्राकेट भर कहना जीरो अच्छे तो यहाँ एक्स रैल्यू वाई रैल्यू है तुम जीरो से भाला इन है तुम एक्स रैल्यू है पाए ब्राकेट भितर जेनटा थी वाई रैल्यू है वन। तो एक्स रैल्यू डिफरेन्ट डिफरेन्ट तो यहाँ कहना बाउंड्री भैल्यू प्रोब्लम बट इटा के आम प्रूव करार अच्छे ये डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन इटा तार सॉल्यूशन नहीं से बोलकर किनटा इटा इटा तार सॉल्यूशन नहीं से बोलिक आमको प्रूफ करवा अच्छे। तो फास्ट सॉल्यूशन तो देखमा सॉल्यूशन के करमा जी तो जनरल सॉल्यूशन कण दीचे जनरल सॉल्यूशन दीचे वाई इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स दीचे बुझा लगे सो मुझे टिके खाली लिखी देसी वाई एक्स लिखीदेली सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स कैंजी आम वैल्यू पुट करवा तो सुविधा हो हाँ कि नहीं अच्छा कारण एक्स रैल्यू भी जीरो वाई रैल्यू भी जीरो खाली पुट कर देली आरो सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो सो वाई जीरो वाई इक्वल टू जीरो सो यार वैल्यू भी जीरो सी वन कॉस जीरो वैल्यू कहना है वन है साइन जीरो वैल्यू कहना है जीरो है तो सी वन इंटू वन सी वन यार वैल्यू तो जीरो सो सी टू इंटू जीरो कहना है जीरो है सो लिखी टिके देली सी वन इज इक्वल टू जीरो है बोली कर बुझिपारल इतनी सला एब कंडीशन के जीमा किन पाए वाला कंडीशन के जीमा तो पाए वाला कंडीशन भी हमता देख इन कर दूचे वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स तो वाई एक्स इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स तो वाई एक्स वैल्यू कौन है पाए कौन है पाए देन सी वन कॉस एक्स वैल्यू कौन है पाए देख ये कंडीशन हाँ कि नहीं सी वन पाए पुट कली देन सी टू साइन पाए पुट कली अच्छा वाई पाए कण है सी वन है वन सो वन वाई रैल्यू कण है वन है ना सो वन कली इक्वल टू सी वन कॉस पाए तो कॉस पाए रैल्यू कण है माइनस वन है तो सी वन इंटू माइनस वन कण हवा माइनस सी वन देन साइन साइन पाए वैल्यू कहना है जीरो है सो सी टू इंटू जीरो कहना है जीरो है सो लिखीदेवी मुई सी वन इक्वल टू माइनस वन सी वन इक्वल टू माइनस वन तो इन्हें देख बाहर सी वन भी जीरो बाहर सी वन माइनस वन देख सी वन दुईटा वैल्यू बाहर सी टू वैल्यू एखे ना बोले ये कहना इम्पोसिबल है सो देख सी वन इक्वल टू जीरो भी बाहर सी वन इज इक्वल टू माइनस भी वन बाहर गोटे दुईटा मूल्य बाहर तो दिस इज दैट इज इम्पोसिबल यहाँ असंभव है कहना इम्पोसिबल है जदि यहाँ इम्पोसिबल है देन आम जानू जे डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन तार सॉल्यूशन नहीं से डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन प्रूफ कर देनु सॉल्यूशन से जदि सी टू वैल्यू जदि इन्हें बाहर थी होती था बट इना सी टू रैल्यू नहीं बाहर सी वन रैल्यू बाहर इन्हें तो सी वन बाहरी है ना तो सी वन रैल्यू जीरो भी आर सी वन रैल्यू माइनस वन भी तो ये इम्पॉसिबल है ना तो ये तार जेनरल सॉल्यूशन नहीं से शो कर देनु तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन तो जेन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन आम प्रूफ कर देनु बुझीला तो पिले बार बार प्रैक्टिस कर पिले बुझीला कि नहीं टे भल से लेख मुई रफ टाइप रिखी दीछे हाँ कि नहीं रफ टाइप रिदे घर दीछे टी
जदि बुझी नहीं हबार बोले कमेंट कर सर बुझी नहीं है बोलिकर है कि बार बार प्राक्टिस कर थे जदि बुझी नहीं पार्छ दुई थर देख दुई थर जब बुझी नहीं पार तीन चार थर देख तापर जे सार बुझी नहीं है कि काण कह है थे देखिक डिसाइड नहीं कर बुझी पार कि हाँ कि नहीं दु तीन थर देख तापर जे सार जदि बुझी नहीं तीन चार थर देख जदि बुझी नहीं है बोले कमेंट कर सर बुझी नहीं है बोलिकर सब खुश रुह बिंदास रुह जय जगन्नाथ।